हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये वाला ब्लॉग बहुत ही दिनों के बाद आ रहा है। एक्चुअली मैंने तो सोचा था कि ब्लॉग बनाना ही रहने देता हूँ यार, कोई देखता तो है नहीं तो क्या करना ब्लॉग बना के, राइट? ऐसे मन में नहीं होता था ब्लॉग बनाने का, लेकिन सोचा यार चलो ठीक है बना लेते हैं ब्लॉग। कोई ना कोई है वो तो देखते ही हैं। कुछ हैं वो जो है मेरे क्या बोलते पक्के यूज़र है ना, वो देखते देखते मेरे को मैसेज भी कर देते हैं कि भाई तुम्हारा ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, राइट? तो चलो, ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 ही लोग हैं 1,200 में से सब्सक्राइबर में से। सिर्फ मेरे को 3-4 बंदे मैसेज करते हैं कि भाई तुम्हारा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है ब्लॉग। चलो, 3-4 बंदे भी ब्लॉग मैसेज कर रहे, बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज करे, राइट? अभी एक दो दिन पहले मैं गया था ऐसे ही आईवीएस स्टेट के अंदर ही, गोलगप्पे खा रहा था मैं, तो गोलगप्पे खा रहा था तो वहाँ एक बच्चा आया एंड कोई ऐसे देखने लगा। मैंने बोला पता नहीं यार क्यों देख रहा, मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ ये नहीं खा रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई आपको खाने हैं क्या गोलगप्पे? बोलता नहीं 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 मुझे नहीं खाने। मैंने बोला नहीं खाने तो आप खा लो। बोलता नहीं नहीं मुझे नहीं खाने। मैंने बोला ओके। तो बोलता आप ब्लॉगिंग करते हो? मैंने बोला हाँ भाई ब्लॉगिंग करता हूँ मैं। बोलता आपका है वो ट्रैवल ट्रैवल करके? मैंने बोला यस हाँ मेरा है मेरा है मेरा है। बोलता हाँ मैं आपके ब्लॉग्स देखता हूँ, आप गार्डन वगैरह में घूमते हो, मुझे अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग्स में। बोला अच्छा यार चलो चलो, एटलीस्ट जब आपको यू नो जब आपको ऐसा, मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, एक तो बार हमीरपुर में हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगता है यू नो कि आपको कोई पहचान रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार चलो, एक टाइम था जब मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, राइट? तो चलो आज के टाइम पे हज़ारों में से कोई एक आदमी पहचान रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। चलो अच्छी बात है। तो चलिए, वैसे तो क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन आज मैंने हमने नए बेड लिए एंड ये देखिए सराहना और चद्दर थोड़ा अलग अलग है, अभी जल्दी जल्दी में बिछा दी, बट वेरी नाइस बेड। ये दूसरे रूम के लिए बेड लिया हमने एंड ओनली बहुत ही यू नो अच्छे रेट में पड़ा हमको, कि हमको पड़ गया दोस्तों 16,000 रुपये में, और बहुत ही अच्छा बेड है। बेड लेने में तो बहुत महंगे महंगे भी थे, 30,000 के थे, 40,000 के थे, भाई 50-60,000 रुपये के थे, और तो और 1-1 लाख रुपए के बेड थे। बट अपने को थोड़ा सिंपल सुपर बेड चाहिए था, 40-1 लाख का क्या करना था अपने को बेड, 1 लाख वाला जो था वो तो इतनी जितना दीवार है ना ऊपर तक, पूरी दीवार तक जो है कुछ तो फिनिशिंग वगैरह दी थी उन्होंने, गद्दे की फिनिशिंग थी ऊपर तक, तो भाई वो तो बेल्टियर कुछ था और पूरा राजे महाराजाओं वाला था भाई। नहीं हुआ, मैं बोला कि यार एक्चुअली मैं क्या है कि उन बेडों को वो कि क्या बोलते हैं ना कि महंगी चीज़ अगर आप लो तो उसको संभालना यू नो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, सच में मुश्किल होता है। वहाँ से अगर कोई गद्दा निकल गया यू नो या कुछ चीज़ निकल गई है तो मेंटेनेंस भी हाई कॉस्ट रहता है उसका। पर चलो चलो अब क्या बोलूँ मैं, बट हमने जो है देखिए 16,000 का बेड लिया है, अब बहुत ही बढ़िया। थोड़ी अलमारी जो है यहाँ पर फंस गई, अब ये अलमारी यहाँ पे नहीं निकल रही है, लेकिन इसको एडजस्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पर इस साइड एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। एंड जो हमारा मंदिर है, मंदिर को हम यहीं पे रहने देंगे, मेरे टेबल को हम उधर एडजस्ट कर देंगे एंड अलमारी को हम इधर एडजस्ट कर देंगे, देन लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तभी तो मेरा दोस्तों ऑफिस का काम चला हुआ है, तो मैं अभी ऑफिस और एक कॉल आ गई सी, ये वाली आवाज आ गई तो मतलब कॉल आ गई, तो चलिए कॉल ले लेता हूँ मैं ऑफिस की, अगर आप सुनते थोड़ी देर में। दोस्तों देखिए, आज बना है हमारे घर में ब्रेकफास्ट में ये है दोस्तों पालक पनीर, वाह वाह बहुत दिनों के बाद। और ये हमारी है रोटियां और ये चाय, तो चलिए खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी भी स्कूल से आ चुका है और आते ही इसकी एक क्या डिमांड है। अच्छा नो वीडियो, ओके सॉरी सॉरी, चलो तो डालो ना चप्पल, डालो येलो चप्पल, डालो येलो। अच्छा, ओके नो वीडियो, चलो ठीक है जी, बंद कर, बेबी बेबी मना कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, ओके जी बंद कर देते हैं। तो जी बीबी की मैगी आ चुकी है, आटा मैगी लेके आया है बीबो, और ये क्या बीबी जूस, वाह येलो जूस लो, जूस है ये वाला, और आपने तो कम ही
छोटा ही गिलास पकड़ा है जूस का। यस वाह जी वाह जी वाह, दिखाओ दोस्तों, देखो मेरे को मैगी मिला। दिखाओ दोस्तों, अरे दोस्तों इतना ज्यादा मैगी, अरे दो मैगी दे दिया, दो मैगी, अरे वाह, दो मैगी तीन है, ये बड़ा। हाँ ओके ओके, दो हाँ दो 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 हैं, बना दो, मम्मी बनाएंगे मैगी, चलो। तो दोस्तों अभी जस्ट ऑफिस का काम खत्म ये किया है पूरा दिन बैठ के, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं कुछ। एक्चुअल में आज जो बॉटल है विभू की पानी की बॉटल वो टूट गई है स्कूल के अंदर, तो हम बॉटल लेने के लिए दुकान पे जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, आपको उधर मिलते हैं। ये तो इसको रख दे, बाद में लेते हैं, बाद तेरा तो ऐसे अगली बार ले लेना, अगली बार देखो। तो देखिए दोस्तों विभू गए थे तो हम बॉटल लेने के लिए पानी की, लेकिन इसने ये ट्रक जो एक बार पकड़ा फिर इसने ट्रक छोड़ा ही नहीं, तो फिर हमको ये ट्रक लेना पड़ा साथ में, बॉटल के साथ जो है ट्रक भी लेना पड़ा। दिखाओ ये देखो, बहुत ही अच्छा ट्रक है, बहुत ही प्यारा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये ट्रक। और एक मिनट बाहर निकाल इसको, स्पाइडरमैन को बाहर निकालना एक मिनट बाहर। तो ये देखिए यहाँ से फ्रंट से जो है इसका, ये देखिए कितना बढ़िया प्यारा ट्रक है। ये देखिए फ्रंट से जो है जैसे होता है ना, हाँ जी सॉरी बैठो जी बैठो बैठो, देखिए जैसे ड्राइवर साहब जो होते हैं इसे ऐसे कर देते हैं, नीचे पूरा ये रहता है। और ये देखिए ट्रक जो है एक्चुअल में, ये जो हॉट व्हील्स की कार होती है उनको, हॉट व्हील्स की कार जो होती है उनको यहाँ पर जैसे होता है जो कारों को लोड करने वाला ट्रक है, वही वाला ट्रक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। साथ में लगता है डिनर भी आ गया है। अच्छा तो बैंगनों को, बैंगनों कल बैंगनों बनेंगे, वाह जी वाह जी वाह, कल जी बैंगनू बनने वाले हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे बैंगनू हैं। मेरे को मस्का नहीं लगाना है कोई भी। हाँ जी मेरे को मस्का नहीं लगाना है कोई भी, ठीक है? नहीं नहीं मस्का नहीं लगा रहे हम। तो ये निशु बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई जब मैंने इसको ये ट्रक खरीदा, और ये बोलती कि इसको ये ट्रक अभी नहीं लेना है अभी, क्या मतलब जाता है जिद तो करता है अभी भी खिलौनों की, तो मैं ले देता तो हूँ इसको। थोड़ी ना टॉय होते हैं, इसका तो इसका ही काम है। चल अभी इसको एक महीना नहीं देंगे हम। ओए सुन अब तेरे को कम से कम 2-3 महीने दोखूंगी मैं। इधर देख विभू, 2-3 महीने नो टॉय, ठीक है? चाहिए। नहीं चाहिए, अब कोई टॉय नहीं मिलेगा। मुझे चारे टॉय नहीं है। हैं? मुझे चारे टॉय नहीं है, मुझे एक चारे टॉय। दसो दीजो मैं। ये वाला अच्छा, ओके ओके। नहीं अब तेरे को कम से कम 2-3 महीने नो टॉय बेटा, नो टॉय, अब तुझे कोई टॉय नहीं मिलेगा। ओके तो दोस्तों अभी जस्ट हम खाना खुना खा के हमारा पेट एकदम फुल हो चुका है, आज बनी थी दाल मखनी चावल, एंड सुबह के बच्चे थे थोड़ा सा पालक पनीर वो भी खाया साथ में। और हाँ जी आपने क्या खाया जो आपका पेट फुल हो गया? इतना सा दूध और आधी चपाती, मेरे को लगता है पेट फुल हो गया उससे। ओके ठीक है, तो ठीक है दोस्तों अब हम सोने वाले हैं एंड मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, गुड बाय, बाय बाय। आप भी कह दो बाय बाय, कह दो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।